सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूल वन का टॉपिक वन कवर कर लिया, ठीक है, जिसमें था एलिमेंट्स ऑफ टेलीविजन सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, मॉड्यूल वन के ही सेकंड टॉपिक में एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर। ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं कि मॉड्यूल वन में हमारे हम लोग को तीन टॉपिक पढ़ना है, जिसमें कि ये हो चुका है, ये अभी करेंगे और ये इसके बाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर, मतलब जो पिक्चर सिग्नल है वो कैसे उसको ट्रांसमिट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं। तो इस मॉड्यूल में M1, ST1, ST2 मींस मॉड्यूल 1 सब टॉपिक 2। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो पहला चीज पढ़ना है ग्रॉस स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी हमारा टेलीविजन सिस्टम है उसका स्क्रीन जो है उस स्क्रीन का साइज क्या होना चाहिए। तुम लोग देखते हो टीवी है तो उसका स्क्रीन या तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, एक पर्टिकुलर शेप का ही होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर शेप का हो गया, ठीक है, या सर्कुलर शेप का हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर, ये किस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है टीवी का जो स्क्रीन का साइज है या पिक्चर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ पिक्चर। ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। ज्योमेट्रिक फॉर्म मतलब कोई भी पिक्चर है तो वो तो टू डायमेंशनल होगा, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक फॉर्म इसका क्या होगा कि ये क्या होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इमेज कंटिन्यूटी। इमेज कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे और इमेज कंटिन्यूटी के ही कारण हम लोग पिक्चर से वीडियो सिग्नल देखने में कैपेबल हैं, नहीं तो हम लोग वीडियो सिग्नल नहीं देख पाते। तो किस तरह हम लोग वीडियो सिग्नल देखते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमको लगता है ये दो टॉपिक ही हम लोग कवर कर पाएंगे, लेकिन इस सब टॉपिक में आगे क्या क्या है, नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइंस, मतलब ये जो पिक्चर होता है उसमें हम लोग स्कैनिंग यूज करते हैं, सारे पिक्चर को स्कैन करते हैं, तो उसका स्कैनिंग का ही आगे पढ़ेंगे कि कितने लाइंस लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लिकर, हम लोग स्कैनिंग से इंटरलेस्ड स्कैनिंग पे जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, फ्लिकर क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर है, रिजोल्यूशन कितना होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली ग्रॉस स्ट्रक्चर और इमेज कंटिन्यूटी पे देंगे ध्यान। तो रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ टीवी पढ़ा, जिसमें कि क्या था, साउंड सिग्नल कैसे भेजते हैं, पिक्चर सिग्नल कैसे भेजते हैं, मॉड्यूलेशन क्या है, टीवी का एम क्या है। नेक्स्ट पढ़ा था टीवी ट्रांसमीटर, टीवी ट्रांसमीटर में डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स देखा था, टीवी रिसीवर भी सेम था, टीवी ट्रांसमीटर क्या करता था, हमारा पिक्चर और सिग्नल साउंड सिग्नल को कंबाइन करके और ट्रांसमिट करता था। ट्रांसमिटिंग एंटेना क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करता है। रिसीवर क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा और उसको वापस से कन्वर्ट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग साउंड एंड पिक्चर सिग्नल में। टीवी रिसीवर कंट्रोल्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें ब्राइटनेस कंट्रोल था, होल्ड कंट्रोल था, चैनल सेलेक्टर स्विच था, ये सब था। तो ये रिकैप है हमारा फर्स्ट टॉपिक का। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले जो टीवी आता था ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का आता था, इस टाइप का, ठीक है, लेकिन आजकल जो टीवी आ रहा है उसको देखते होगे थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का आता है ना। अब इसमें देखो ये वाला जो चीज होता है ये क्या होता है, ये विड्थ होगा या हाइट होगा, ये विड्थ है और ये जो चीज है ये है हाइट। तो टीवी के स्क्रीन का साइज किस पे डिपेंड करता है, W/H रेशियो, जिसको कहते हैं हम लोग एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो मतलब रेशियो बिटवीन विड्थ एंड हाइट ऑफ अ पिक्चर फ्रेम, ठीक है। अब अगर ये एस्पेक्ट रेशियो क्यों बनाया गया, मान लो कि टीवी जो मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग टाइप का टीवी बनाता है, किसी स्क्रीन का साइज दूसरा है, किसी स्क्रीन का साइज दूसरा है, तो क्या होता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में, मतलब ग्रॉस स्ट्रक्चर मीन्स टीवी साइज का जो स्क्रीन है या पिक्चर जो हम लोग देख रहे हैं उसका क्या होना चाहिए साइज, ठीक है। अब अभी जो आया, पहले जो आता था उसका विड्थ होता था 4, हाइट होता था 3, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, विड्थ 16, हाइट 9। अब ग्रॉस स्ट्रक्चर में हम लोग देखें एस्पेक्ट रेशियो, रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटी का डिविजन, तो इसमें रेशियो क्या था 4/3 W/H, इसमें क्या हो जाएगा 16/9। तो अब देखो ये 16/9 भी तो 4/3 ही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि ये विड्थ जो है वो कम है,
ठीक है, और ये विड्थ जो है वो हम लोग ज्यादा रखे हैं। ठीक है, इसको ज्यादा रखने से क्या हो गया, अभी देखो इमेज हमको सिर्फ इतना दूर तक दिख रहा था, अगर हम टीवी का विड्थ ज्यादा रखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी कवर कर पाएंगे। तो अगर मेरे पास कोई पूरा एक पिक्चर सिग्नल है इतना विड्थ का, इसको ट्रांसमिट करने और रिसीव, अगर मान लो इस टेलीविजन पे रिसीव करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, ये इसमें क्लिप हो जाएगा, ये हम लोग को नहीं दिखेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका W by H जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 4:3 है, विड्थ 4 है, इसीलिए ये पूरा टोटल विड्थ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर सेम पिक्चर को अगर हम 16:9 वाले टीवी में देखेंगे तो क्या होगा, ये हमको पूरा एक वाइड पिक्चर दिखाएगा। तो आजकल जो HD टीवी और ये सब जो आ रहा है उसमें देखोगे कि ये जो विड्थ होता है ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी किया क्या गया, जो विड्थ है इसका उसको 4 times बनाए, जो हाइट है उसको 3 times किए। ठीक है, तो ये इसीलिए ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा स्क्वायर जैसा लग रहा है। अगर सेम रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करते, अगर ये 4, 4, 16 और इसको भी अगर 4 से करते तो ये 16 और 12 होता, तो ये भी थोड़ा सा ऐसा जैसा इस शेप का लग रहा है, स्क्वायर शेप वैसा दिखता। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, विड्थ ज्यादा रखते हैं, हाइट कम रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 एस्पेक्ट रेशियो हुआ, एक तो 4:3 का, एक 16:9 का। तो आजकल लगभग 16:9 ही यूज होता है ज्यादा टेलीविजन में। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन विड्थ टू हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम अडॉप्टेड इन टीवी सिस्टम। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ, 4:3 मतलब क्या हुआ, विड्थ ज्यादा रख रहे हैं हाइट कम रख रहे हैं, ऐसा क्यों, इसमें भी 16:9 सिस्टम में भी क्या कर रहे हैं, विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हाइट ज्यादा रख के विड्थ कम क्यों नहीं रखे, या फिर दोनों को बराबर क्यों नहीं रखे, क्यों हम लोग हॉरिजॉन्टल जो ये है उसको ज्यादा रखे, जो विड्थ है उसको ज्यादा रखे, हाइट को कम रखे, इसका क्या रीजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है कि वाई एस्पेक्ट रेशियो इज चूजन टू बी 4:3, मतलब ये जो विड्थ है उसको ज्यादा रखा गया है, हाइट को कम रखा गया है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रीजन है मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अपने आसपास भी हम लोग देखते हैं कि जो भी चेंज होता है वो किधर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, वर्टिकल एक्सिस पे नहीं होता है। वर्टिकल एक्सिस मतलब तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, उसमें तो चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज है, तुम कहीं जा रहे हो तो तुम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चल रहे हो, वर्टिकल पे बहुत कम चलते हो। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी चेंज होता है सीन में या पिक्चर में वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन में बहुत कम होता है। और दूसरा रीजन क्या है, आवर आई कैन सी द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन देन इन वर्टिकल प्लेन, मतलब हमारा जो आंख है नेचुरली ये चीज हुआ है कि हमारा आई जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने में ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब वो ज्यादा आराम से देखता है वर्टिकल मूवमेंट के कंपैरिजन में। ये चीज देखे होगे, अगर तुम बहुत ज्यादा टाइम ऊपर देखो तो तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा, आंख दर्द करने लगेगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली देख रहे हो मतलब पूरे दिन तो तुम हॉरिजॉन्टली ही देखते हो तो आंख दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई बोले कि 1 घंटा लगातार ऊपर देखो तो अनकंफर्टेबल होगा। तो ऐसा है ही कि हमारा आई जो है नेचुरली इसी तरीके से बनाया गया है कि वो कंफर्टेबल है कि वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को आराम से देख पाए और वर्टिकल मूवमेंट को देखने में थोड़ा परेशानी होता है। इसीलिए ये जो पिक्चर बनाया गया, जो स्क्रीन बनाया गया, उसमें भी हॉरिजॉन्टल जो चीज है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, विड्थ है, इसीलिए विड्थ को ज्यादा लिया गया ताकि ज्यादा लेंगे तो ज्यादा चेंज दिखेगा, चेंज होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो चीज चेंज हो रहा है हमको तो वही देखना है ना, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को ज्यादा चौड़ा लिया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ और करेंगे तब क्या होगा, ये मान लो किसी इंसान का फोटो है, ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, अभी हमको इसको क्या करना है, इसको इनलार्ज करना है, मतलब जूम करना है। अभी फिलहाल क्या होगा, इस इमेज का एक पर्टिकुलर
अभी इस इमेज का एक पर्टिकुलर विड्थ है और एक पर्टिकुलर हाइट है, ये एच है ये डब्ल्यू है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस इमेज को जूम करें, मतलब इसको बड़ा करें, तो जूम करने में हमें क्या ध्यान रखना है कि एस्पेक्ट रेशियो जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो सेम रहना चाहिए। पर अभी देखो अभी क्या हुआ इसमें, हम बताओ क्या इंक्रीज किया है, एच इंक्रीज किया है या डब्ल्यू? एच इंक्रीज किया है, इसमें हम क्या किए हैं, डब्ल्यू को, डब्ल्यू को चेंज नहीं किए, एच को सिर्फ इंक्रीज किए, ठीक है। तो क्या ये चेहरा और ये चेहरा बोल सकते हो कि एक जैसा? इसमें क्या लग रहा है, इसका सर बहुत चौड़ा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका सर कम चौड़ा है। यहाँ पे इसका आंख देखो, आंख का हाइट इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका आंख का ये चीज क्या है, कम है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सेम इमेज नहीं है, ठीक है। अब अगर विड्थ इंक्रीज करेंगे, इसमें सिर्फ विड्थ को हम ऐसे खींच दिए, यहां से विड्थ इंक्रीज करने पे क्या हो गया, अभी भी क्या ये पहले जैसा लग रहा है, ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, इसका हेड का जो विड्थ है वो ज्यादा चौड़ा हो गया, जबकि ओरिजिनल इमेज में हेड का विड्थ इतना चौड़ा नहीं था, ठीक है। इसका कान चेंज हो गया, इसके आंख का ये जो लेंथ है वो चेंज हो गया। तो हम लोग बोलेंगे, क्या हम लोग बोलेंगे कि ये जो फेस है ये सेम फेस है, ये तुम्हारा कोई पासपोर्ट साइज फोटो है, इसका तुम ऐसे विड्थ खींच दोगे तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। लेकिन अब ये फोटो देखो, क्या ये फोटो इसके इक्वल है? ये फोटो जो है ये सही है, इसमें सारा कुछ प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। क्यों ऐसा है, ये छोटा चेहरा है, ये बड़ा चेहरा है, लेकिन सेम है, क्यों? क्योंकि हम इसमें एक सेकंड एस्पेक्ट रेशियो सेम है, एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो सेम रख करके अगर हम इमेज को बड़ा करते हैं तो इमेज का जो सारा फीचर है वो सेम रहता है, ठीक है। अब पता चला कि क्यों टेलीविजन सिस्टम एक पर्टिकुलर बोला है कि नहीं एस्पेक्ट रेशियो 4:3 होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास छोटा टीवी है, अगर मेरे पास छोटा टीवी है तो भी हमको इमेज करेक्ट दिखेगा, अगर बड़ा टीवी है तो भी इमेज करेक्ट दिखेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं इसी तरह। मान लो एक सीनरी है मेरे पास, यहाँ पे एक बोट रखा है, ओरिजिनल इमेज ये था, ठीक है। अब अगर इस इमेज को हमको बड़े टीवी पे देखना है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा टीवी है जिसका कि विड्थ इतना है और हाइट बहुत ज्यादा है, तो यही सेम इमेज हमको कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इस इमेज में देख रहे हो हाइट बड़ा है, विड्थ चौड़ा है, तो यहां से ये बोट कैसा लग रहा है, ज्यादा लंबा लग रहा है, सीनरी का पूरा ये कैप्चर नहीं कर रहा है। अब इसी में अगर विड्थ हम बढ़ा देंगे, विड्थ बढ़ाने पे भी क्या ये इमेज ऐसा लग रहा है ओरिजिनल जैसा? नहीं लग रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्ट इमेज, ठीक है। तो ये सब जूम नहीं है, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है। अगर ऐसे टीवी पे देखेंगे जिसका विड्थ इतना बड़ा है, हाइट ऐसा है, तो ये ओरिजिनल इमेज ये है, लेकिन हमको पिक्चर ऐसा दिखेगा। अगर हाइट बड़ा वाले टीवी पे देखेंगे तो इमेज ऐसा दिखेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए कि अगर छोटे टीवी पे ऐसा इमेज है तो बड़े टीवी पे ये इमेज आए। तुम सोचो तुम्हारा अगर फेस हो ऐसा, अगर कोई तुम्हारे फेस को ऐसे टीवी पे देखे जिसका विड्थ कम है और हाइट बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा फेस ऐसा दिखेगा, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा फेस ऐसा दिखे? नहीं। सिमिलर वे में अगर कोई टीवी है जिसका कि विड्थ बहुत ज्यादा है, हाइट कम है, तो फेस ऐसा दिखेगा, ये भी नहीं चाहोगे तुम, ठीक है। तो इसीलिए एस्पेक्ट रेशियो जो है वो बहुत जरूरी है मेंटेन करना। तुम लोग एक चीज इसमें ट्राई भी कर सकते हो, कोई भी अपना एक फोटो या किसी भी चीज का फोटो पावर पॉइंट में या कोई भी ऐसा पेंट में ले जाओ, पावर पॉइंट में जब ले जाओगे तो देखोगे कि वहां पे जब जूम करते हो तो अगर एकदम कॉर्नर में जाकर के उसको खींचोगे, राइट कॉर्नर पे या कोई भी पिक्चर है उसके चारों कॉर्नर पे एक डॉट बना रहता है पिक्चर जूम करने का, अगर उससे खींचोगे तो वो एस्पेक्ट रेशियो सेम करके ही जूम करेगा, लेकिन अगर अलग से खींचोगे, रुको हम बस दिखा देते हैं एक मिनट। मान लो अभी यहाँ पे हमको एक पिक्चर हम ये इंसर्ट किए, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करने पे क्या है, ये डॉट आया, ये डॉट क्यों आता है, इस पिक्चर को हमको जूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर वाला डॉट रहता है, अगर इस चार डॉट में से किसी भी एक को अगर हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो इसका एस्पेक्ट रेशियो सेम है, ठीक
ठीक है, देखो सेम है, लेकिन अगर मेरा ओरिजिनल इमेज ये था, ये वाला अगर इसको हम पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो गया, एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया। अगर हम इसको नहीं करते, अगर सिर्फ ये वाले से हम फिगर बड़ा करते, एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया। तो इसीलिए हमेशा ये क्या होता है, अगर कभी तुम लोग भी प्रेजेंटेशन बनाओ या आगे के लिए भी कभी काम हो, कभी भी कोई इमेज को जूम करना हो तो इसको कॉर्नर डॉट से करते हैं, ताकि जो विड्थ और हाइट है उसका रेशियो सेम रहे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ? यस मैम। नो मैम। तो हमेशा हम लोगों को एस्पेक्ट रेशियो जो है वो सेम रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इमेज कॉन्टिन्यूटी। इमेज कंटिन्यूटी मतलब कोई चीज कंटिन्यूअस आ रहा है, इमेज कंटिन्यूटी मतलब इमेज कंटिन्यूअस आ रहा है। हम लोग वीडियो कैसे देख पाते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो मतलब सही में ये एकदम चल रहा है, या कहीं पे अगर मैच हो रहा है तो अगर कोई रन ले रहा है तो एग्जैक्टली एकदम वो दौड़ता हुआ आदमी कैमरा में आता है और यहाँ पे हम लोग को दिखता है, ऐसा नहीं है। तो इमेज कंटिन्यूटी हम लोग को वीडियो में क्या होता है, लगता है कंटिन्यूअस इमेज आ रहा है। तो वो क्यों आता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा आई का, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, परसिस्टेंस मीन्स बोलते हैं ना, परसिस्ट है, परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई, मतलब हमारा जो आई है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो भी देखता है, जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर उसको देखना हम बंद कर दें तो भी हमारे आंख से वो जो इमेज है वो जाता नहीं है। वो कब तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक। मान लो तुम्हारे आंख के सामने एक पिक्चर लाया गया और उसको तुरंत हटा लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि जब पिक्चर हटा लिया गया तो तुम्हारे आंख से वो इमेज हट जाएगा, रेटिना से इमेज हट जाएगा, ऐसा नहीं है। पिक्चर हटने के बावजूद तुम्हारे रेटिना पे वो इमेज 1/16 सेकेंड के लिए रहता है, मतलब एक सेकेंड का जो 16th पार्ट होता है उतने देर के लिए वो इमेज रहता है तुम्हारे आंख रेटिना पे। तो इसका मतलब क्या होता है, वो इमेज स्टोर हो जाता है। कोई भी इमेज अगर हम देखते हैं तो 1/16 सेकेंड के लिए वो इमेज हमारे रेटिना पे स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक। विजन मतलब हमारा जो साइट है, हमारे देखने का क्षमता। परसिस्टेंस मीन्स ये रहता है, ये हटता नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं ना, वो बहुत जिद्दी है, कितना भी डांटो हट नहीं रहा है, मतलब वो परसिस्टेंट है एकदम। या कोई पढ़ाई में है तो बोलते परसिस्टेंटली लगा हुआ है, मतलब वो एकदम दृढ़ता के साथ पढ़ाई में लगा हुआ है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब कि हमारा जो देखने का जो कैपेबिलिटी है वो परसिस्टेंट है, कितने देर के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए, मतलब 1/16 सेकेंड के पहले वो इमेज या जो भी हमारा आई देखता है वो चीज जाएगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो सेंसेशन ड्यू टू इंसिडेंट लाइट ऑन रेटिना डज नॉट सीज इमेज, सीज मतलब खत्म होना, सीज इमीडिएटली आफ्टर द लाइट इज रिमूव्ड, बट परसिस्ट फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड। हमारा आई देखता कैसे है वो तो तुम लोग आई के बारे में पढ़े होगे कि जब भी रेटिना पे लाइट फॉल होता है तो हम लोग देख पाते हैं। तो जब भी कोई लाइट रेटिना पे फॉल होगा और उसके बाद अगर उस लाइट को हटा भी लेंगे तो भी हमारे आंख पे 1/16 सेकेंड के लिए वो जो इफेक्ट था वो रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे देखा जाए तो क्या है, टू पुट इट सिंपली, परसिस्टेंट ऑफ विजन इज द एबिलिटी ऑफ माइंड टू इंटरप्रेट अ फास्ट सक्सेशन ऑफ स्टिल इमेजेस एज अ मूविंग इमेज। अब देखो, स्टिल इमेजेस मतलब अलग अलग फोटो, रुका हुआ फोटो, और एज अ मूविंग इमेज मतलब अगर एक साथ जल्दी जल्दी इमेज को देखोगे तो वो लगेगा कि वो मूव कर रहा है। ये चीज तुम लोग ट्राई कर सकते हो, मान लो तुम 10 फोटो अपना लो कैमरा से ही, अपने मोबाइल के कैमरा से ही, एक फोटो में एकदम हंसो मत, एकदम सीरियस रहो, दूसरे फोटो में हल्का सा स्माइल करो, तीसरे में और स्माइल करो, ऐसे करके 10 फोटो लो और उस 10 फोटो को एकदम तेजी में स्वाइप करके और देखो, तो लगेगा क्या कि वो एक वीडियो है जिसमें कि तुम हंस रहे हो। ये करके देख सकते हो, ये है। तो ये क्यों होता है, ये होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। जब तुम सीरियस हो, ठीक है, अगर कोई फोटो में तुम सीरियस हो, वो फोटो तुम देखे तो वो 1/16 सेकेंड तक वो फोटो तुम्हारे दिमाग में है। ठीक है, तो 1/16 सेकेंड तक है, 1/16 सेकेंड के बाद ये फोटो हट जाएगा। तो तुम क्या करो कि 1/16 सेकेंड के पहले ही तुम दूसरा वाला इमेज ले आओ जिसमें तुम हल्का सा स्माइल कर रहे हो। तो क्या होगा, ये वाला इमेज गया नहीं कि दूसरा इमेज आ गया,
तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा और क्या लगेगा कि कंटिन्यूअस ट्रांजिशन लगेगा कि सीरियस से. अभी हम लोग देखें कि वीडियो के लिए जो है वो 16 स्टिल इमेजेस अगर हम एक सेकंड में देते हैं तो वो हम लोगों को वीडियो का नेचर देगा कि लगेगा कि वीडियो है या मोशन पिक्चर है. तो वो तो है कि भाई एटलीस्ट 16 होना चाहिए. पर अभी प्रैक्टिकली जो इसमें आता है मोशन पिक्चर उसमें कितना होता है 24. जो भी अभी तुम लोग ये देखते हो जो अभी पिक्चर आता है या फिर ये मोशन पिक्चर्स आता है उसमें क्या होता है 24 इमेजेस जो है उसको दिया जाता है. तो अभी टेलीविजन के भाषा में हम लोग एक इमेज को इमेज नहीं बोलेंगे, फ्रेम्स बोलेंगे. ठीक है, फ्रेम, ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है. ठीक है, तो क्या हो गया, स्लाइड नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हें, तो क्या हो गया अभी मोशन पिक्चर्स में क्या होगा 24 फ्रेम्स पर सेकेंड हम लोग भेजेंगे. मतलब यहाँ पे ये 11 फ्रेम है, हम लोग 24 फ्रेम एक सेकंड में भेजेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो वीडियो है. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो मैम. वीडियो कैसे हम लोग देखते हैं ये पता चल गया. वीडियो देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड में 24 फ्रेम भेजना पड़ेगा. अब 24 फ्रेम तो तब भेजेंगे जब एक फ्रेम भेजेंगे. ठीक है, और एक फ्रेम को हम लोग बताए थे एक फ्रेम मतलब एक पिक्चर, इसको भेजना है तो एक साथ तो इतना बड़ा नहीं भेज सकते हैं. तो पिक्चर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें छोटे छोटे पिक्चर एलिमेंट में डिवाइड करते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फ्रेम जाए आगे तो हमको क्या करना होगा, इसमें जो भी पिक्चर एलिमेंट है हर बॉक्स में वो सबको हमको भेजना होगा और एक साथ भेजना होगा. एक साथ भेजेंगे तब तो ये पूरा पिक्चर हमको दिखेगा. अब इतने सारे एलिमेंट को एक साथ भेजने के लिए हमको तो इनफाइनाइट चैनल लग जाएगा. इनफाइनाइट चैनल्स तो हमारे पास है नहीं, लिमिटेड चैनल है, इसीलिए हम लोग स्कैनिंग यूज करते हैं. आया समझ में? 24 फ्रेम्स पर सेकंड जब तक नहीं जाएगा तब तक वीडियो सिग्नल जो है वो नहीं बनेगा. तो जब वीडियो का हम लोगों को मोशन का ये चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, हमको 24 फ्रेम्स भेजना होगा एक सेकंड में. तो 24 फ्रेम्स भेजेंगे तो पहले ये फ्रेम भेजेंगे फिर ये भेजेंगे. तो ये एक पूरा फ्रेम कैसे भेजना होगा, तो हर फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे पिक्चर एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट में. ठीक है, और हर पिक्चर एलिमेंट को भेजेंगे, पहले इसको भेजेंगे फिर इसको भेजेंगे. तो ये जो होता है कि इसको भेजना फिर इसको भेजना अलग अलग जाएगा. पहले ये वाला पोर्शन आ जाएगा इमेज का यहाँ पे, फिर ये पोर्शन आएगा कुछ देर बाद. तो क्या इतना टाइम और इतना ये है हमारे पास? नहीं है. अब हम लोग को एक फ्रेम को साथ में भेजना है, इसका मतलब ये इतना सारा जो पिक्चर एलिमेंट है उसको साथ में हम लोग को ट्रांसमिट करना है. तो वो नहीं हो सकता है अगर अलग अलग करेंगे तो, इनफाइनाइट चैनल हमारे पास नहीं है भेजने के लिए, इसीलिए हम लोग स्कैनिंग यूज करते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि स्कैनिंग क्या होता है. स्कैनिंग में देखो पिक्चर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऑप्टिकल इन नेचर होता है और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क एंड ब्राइट एलिमेंट्री एरियाज नोन एज पिक्चर एलिमेंट या फिर पिक्सल. तुम लोग ये भी देखे होगे कि कोई इमेज रहता है बोलते हैं इतना पिक्सल का है, 800 पिक्सल का है, तो इतना क्रॉस इतना पिक्सल का है, ये सब देखते हो ना, कहीं लिखा रहता है 800 क्रॉस 1200 पिक्सल. इसका मतलब क्या होता है, जो विड्थ है उसको डिवाइड किए हैं 800 पार्ट में और जो हाइट है उसको डिवाइड किए हैं 1200 पार्ट में. जैसे देखो मान लो मेरे पास ये एक स्माइली था, इसको हमको भेजना है, ये एक फ्रेम है इसको हमको भेजना है, तो इस फ्रेम को क्या किए हम छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड किए. ठीक है, अब अगर 800 क्रॉस 1200 पिक्सल अगर कोई बोल रहा है कि ये इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉक्स है ये कितना होगा 800 बॉक्स होगा और इधर जितना नंबर ऑफ बॉक्स है वो कितना होगा 1200. मतलब ये इमेज को हम लोग जो वर्टिकल में 800 बार डिवाइड किए और हॉरिजॉन्टल में 1200 लाइन से डिवाइड किए. ठीक है, ये समझ में आया पिक्सल क्या होता है. किसी भी इमेज को हम लोग ब्राइट और डार्क एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें क्या है, ये वाला एरिया क्या है ब्राइट एरिया है, यहाँ पे ये जो येलो कलर से ये क्या है डार्क एरिया है, ये जो ब्लैक है ये उससे भी ज़्यादा डार्क एरिया है. तो अगर कलर पिक्चर हो या फिर मोनोक्रोम पिक्चर हो वहाँ पे जो कलर होता है पिक्चर को हम लोग ब्राइट और डार्क एरिया से ही करते हैं. तो हर पिक्चर का एक डार्कनेस इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इंटेंसिटी होता है. ठीक है, तो किसी भी पिक्चर को अभी क्या किया, ये पिक्चर है हमारे पास इसको हम लोग इसमें डिवाइड कर दिए, पिक्सल्स पता चल गया हमें. इसी पिक्चर एलिमेंट को पिक्सल्स कहते हैं.
अब हमें क्या करना है, अगर ये पूरा पिक्चर हम लोगों को आगे भेजना है तो ये सारा जो भी ये एक एक बॉक्स है ये सारे बॉक्स को आगे भेजना होगा, एक साथ भेजेंगे तो इनफाइनाइट चैनल लगेगा, इसीलिए हम लोग करते हैं स्कैनिंग कि वो वन बाय वन सबको सारे बॉक्स का जो एलिमेंट है उसको स्कैन करें। ठीक है, अभी ये जो बॉक्स है ये बॉक्स में क्या है, पिक्चर इन्फॉर्मेशन है। पिक्चर इन्फॉर्मेशन किस टर्म में है, तो ब्राइटनेस के टर्म में। अगर ये व्हाइट है तो इसका मतलब ये बहुत ब्राइट है, अगर मान लो इसका ब्राइट का लेवल अगर हम 100 वोल्ट रखे हैं तो ये येलो है ये थोड़ा कम ब्राइट होगा, तो मान लो ये 50 वोल्ट है। अब ब्लैक जो है उसका ब्राइटनेस क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो जब स्कैनिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आता है वो हर बॉक्स के ब्राइटनेस लेवल को उठाता है। ठीक है, तो यही लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स टू बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विल रिक्वायर इनफाइनाइट चैनल। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इसीलिए हम लोग ये चीज नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट चैनल्स तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए स्कैनिंग आता है पिक्चर में, हम लोग स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इंटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। यहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्राइटनेस और डार्कनेस के इसमें है, तो वो क्या है, ऑप्टिकल नेचर है। ऑप्टिकल नेचर को वो इलेक्ट्रिकल नेचर में बदल देता है स्कैनिंग, डिपेंडिंग ऑन ब्राइटनेस इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, और फिर उसको ट्रांसमिट करता है। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम अभी तक? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। आ गया ना सब? इसी तरह मान लो ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज में अभी इस इमेज को देख करके लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पिक्सल में डिवाइड है या कुछ है, लेकिन इस इमेज को अगर जूम करके देखोगे या किसी भी इमेज को अगर तुम पूरा जूम करोगे तुम्हें इस टाइप का दिखेगा। अभी इसमें लग रहा है ना कि कुछ बॉक्स जैसा बना हुआ है, पिक्चर एलिमेंट है अलग अलग। तो अगर इस पिक्चर को भेजना है तो इस पिक्चर को हम लोग इसमें डिवाइड किए पिक्सल्स में, और ये देखो ये एक अलग एलिमेंट है, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, सबका कलर अलग अलग है। तो कलर अलग है तो सबका इसका मतलब क्या, वो जो ब्राइटनेस लेवल है वो अलग है, और ब्राइटनेस लेवल हम लोग वोल्ट्स में लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। तो स्कैनिंग क्या करेगा, पहले आएगा ये वाले बॉक्स को देखेगा, लाइट ग्रीन कलर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो एक्स वोल्टेज है तो वो एक एक्स वोल्ट देगा। फिर स्कैनिंग बीम आगे बढ़ेगा, ये वाले को चेक करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और सबका वोल्टेज जो है उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो सिग्नल बनाते जाएगा। ठीक है, तो स्कैनिंग होता कैसे है, ट्रांसमिशन आर कैरिड आउट एलिमेंट बाय एलिमेंट वन एट अ टाइम इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू कवर द इंटायर स्क्रीन। मतलब जो भी पिक्चर हमको भेजना है तो स्कैनिंग कैसे होता है, वन बाय वन होता है, मतलब एक बार में एक एलिमेंट करेगा। ठीक है, एक बार में मान लो कि ये वाला किया, फिर नेक्स्ट ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, सिक्वेंशियल मैनर में, मतलब पहले ये इस लाइन का पूरा एलिमेंट को कर लेगा स्कैन वन बाय वन, फिर क्या होगा ये वापस से लौट के आएगा और फिर इस लाइन को स्कैन करेगा इस तरह से। तो स्कैनिंग कैसे होता है, जिस तरह से मान लो तुम कॉपी किताब पढ़ते हो उसी तरीके से, कॉपी में जो पेज कैसे पढ़ते हो, पहले फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, फिर वापस से इस साइड आते हो, फिर सेकंड लाइन पढ़ते हो, वापस से इधर आते हो, फिर यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हो, थर्ड लाइन पढ़ते हो, फिर वापस आते हो, ऐसे ऐसे करके जब ये लास्ट वाला लाइन पढ़ते हो, जब लास्ट वाला लाइन पढ़ दिए तब क्या हो गया, पेज खत्म, नेक्स्ट पेज आएगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग को 24 फ्रेम्स भेजना है, फर्स्ट फ्रेम का सारा कुछ हो गया, ये पेज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं। तो स्कैनिंग में इस तरह से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी वो स्कैन कर रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। तुम लोग पढ़ते हो तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक लाइन पढ़ के छोड़ देते हो, नेक्स्ट लाइन पे आते हो, नेक्स्ट लाइन पे आते हो, नेक्स्ट लाइन पे आते हो, तो ये क्या है, वर्टिकल मोशन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो पूरा पेज कवर हो जाता है। इसी वे में पूरा एक पिक्चर जो है, हम लोग स्कैनिंग के प्रोसेस से पिक्चर के हर ऑप्टिकल जो इंफॉर्मेशन है, ब्राइट और डार्कर इंटेंसिटी जो है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के वो वीडियो सिग्नल जनरेट हो जाता है, जो कि आगे जाता है। टीवी ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम में देखे थे ना कि वीडियो सिग्नल जनरेट करता है कैमरा, जो कैमरा ट्यूब होता है, तो कैमरा ट्यूब में यही स्कैनिंग प्रोसेस होता है। कैमरा ट्यूब में क्या होता है, स्कैनिंग प्रोसेस, कैमरा ट्यूब में एक लेंस लगा होता है, उस लेंस पे जब ये सारा लाइट जब इंसिडेंट होता है तो ट्यूब क्या करता है, उस लाइट को स्कैन करके वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्कैनिंग इज अ टेक्निक सिमिलर टू रीडिंग ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन ऑन अ पेज। हमारा जो टेलीविजन सिस्टम है उसमें भी स्कैनिंग इसी तरह एक पेज पढ़ने की तरह ही होता है। फर्स्ट फ्रेम को अगर हम स्कैन कर लिए तो फिर दूसरे फ्रेम पे जाते हैं। स्कैनिंग दोनों डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। अब टीवी सिस्टम में हम लोग क्या मान के चले हैं कि ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 625 हॉरिजॉन्टल लाइंस। 625 हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्या होगा कि ये जो हम स्कैन कर रहे हैं, एक बार ये पहला इधर जाएगा, फिर लाइन आएगा, फिर आएगा, ये जो ऐसे ऐसे लाइन जा रहा है जैसे पढ़ते हो, तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है वो 625 होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे कॉपी में ये लाइंस होता है, मान लो 15 लाइन से लिखने के लिए, तो तुम 15 लाइन से ज्यादा तो नहीं पढ़ पाओगे, फिर नेक्स्ट पेज में जाना होगा। इसी तरह टीवी सिस्टम में ये स्टैंडर्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। 625 हॉरिजॉन्टल लाइंस आना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एक इमेज है तो उसको कितने पार्ट में ऐसे से डिवाइड करना होगा, 625 में, ठीक है। और ईच फ्रेम इज स्कैन्ड एट अ रेट ऑफ 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। मोशन पिक्चर्स के लिए हम लोग देखे थे अभी 24 था, और टीवी सिस्टम में क्या होता है, हम लोग अभी लेके चले हैं कि 25 जो है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। 25 क्यों लेते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। मतलब एक सेकेंड में हमको 25 फ्रेम भेजना है, और हर फ्रेम को स्कैन किससे करना है, 625 लाइंस से, ठीक है। समझ में आया, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आया हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। अब क्योंकि हम लोग देखिए अभी स्कैनिंग किस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। इन टीवी सिस्टम एनी पर्टिकुलर सीन इज स्कैन रैपिडली इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। जो कि अभी हम लोग देखे कि कोई भी स्क्रीन है, पहले हॉरिजॉन्टल ये करेगा, स्कैन कर लिया, ये वापस यहाँ आएगा, फिर ये स्कैन किया वापस आया, स्कैन किया वापस आया, तो क्या हो रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली भी स्कैन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए सीन इज स्कैन रैपिडली इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, टू प्रोवाइड सफिशियंट नंबर ऑफ कंप्लीट पिक्चर्स और फ्रेम्स पर सेकेंड टू गिव द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। इल्यूजन मतलब क्या होता है, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम, जो चीज है नहीं पर हम लोग को लग रहा है। तो अगर हम 24 या 25 फ्रेम्स एक पर सेकेंड भेज रहे हैं तो हम लोग को क्या होगा, ये भ्रम होगा कि वो एक कंटिन्यूअस मोशन है, मतलब वो सारे जो पिक्चर्स फ्रेम है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसमें देखो, अच्छा ये रास्टर क्या होता है, ये जो टीवी का जो स्क्रीन है उसको हम लोग रास्टर भी बोलते हैं, RASTER, ठीक है। तो मान लो ये टीवी का स्क्रीन है, हमको इसको स्कैन करना होगा, या कोई एक पिक्चर है जिसका कि टोटल ये W/H एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना होगा, ये एक पिक्चर है इसको हमको स्कैन करना होगा, तो क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ये गया इधर। अब ये ऐसे स्लांटेड क्यों है, क्योंकि अगर सीधा सीधा जाएगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा तिरछा चलेगा तब तो वो जब सीधा वापस लौटेगा, ऐसे ऐसे जिगजैग में जाएगा तब वो वर्टिकल मोशन भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई मेरा बीम वो इधर जा रहा है स्कैन करते हुए, यहाँ तो खत्म हो गया, लाइन खत्म, जो तुम पेज पढ़ रहे हो वो खत्म, तुमको वापस आना है, तो ये जो डैश्ड लाइन है वो दिखा रहा है कि ये वापस आया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करता है तो ये जो लाइन है जो लेफ्ट टू राइट जाता है उसको कहते हैं ट्रेस, मतलब ट्रेसिंग, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ट्रेसिंग कर रहा है, और रीट्रेस क्या होता है, वापस अपने पोजीशन पे आना। तो ये जो डॉटेड लाइन होता है उसको कहते हैं रीट्रेस। तो ये पहला लाइन है, ये गया ट्रेस कर लिया और ये वापस से रीट्रेस करके यहां पहुंचा, फिर ये इस, ये जो सेकेंड लाइन है ये जाएगा स्कैन करेगा और वापस से अपने पोजीशन पे रीट्रेस होकर के यहाँ आएगा। तो ऐसे ऐसे करके कितना लाइन जाएगा, 625 लाइंस जाएगा, 625 लाइंस ऐसे ऐसे ट्रेस और रीट्रेस करके ये पूरे स्क्रीन को कवर करेगा, ठीक है। समझ में आ गया,
अब इंस्टेड ऑफ 24 फ्रेम्स इन कॉमर्शियल मोशन पिक्चर, फ्रेम रिपीटिशन रेट इज 25 पर सेकेंड इन मोस्ट ऑफ टीवी सिस्टम. 25 पर सेकेंड जो होता है, 25 पर सेकेंड मतलब जो फ्रेम जो ये है, 25 फ्रेम पर सेकेंड हम लोग टीवी सिस्टम में भेजते हैं. ऐसा क्यों? हमारे घर में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आता है वो कितना हर्ज का होता है, किसी को पता है? जो पावर सप्लाई तो अभी फिलहाल के लिए यही जानो कि जो 50 हर्ज है उसका हाफ क्या होगा. 25 होगा 50 हर्ज का हाफ, इसीलिए हम लोग 25 लिए, 24 नहीं लिए. मैम आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, कट रहा है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे हैं, सॉटूथ वेवफॉर्म इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें कि एक वर्टिकल लाइन होता है फिर स्लैंटेड होता है. इसी तरीके का कुछ वेवफॉर्म यहाँ पे भी है. हमारा ये ट्रेस हो रहा है, ये थोड़ा सा स्लैंटेड लाइन है, रीट्रेस एकदम स्ट्रेट लाइन होता है. फिर ट्रेस होता है थोड़ा स्लैंट में, रीट्रेस एकदम स्ट्रेट लाइन होता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो करंट जनरेट हो रहा है ये क्या है, ये सॉटूथ करंट है. ठीक है, अब करंट, इसको करंट क्यों बोल दिए ये हम लोग आगे देखेंगे. तो द सॉटूथ करंट इन द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल मूव्स द इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब हम लोग तो ये बोल रहे हैं क्या स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो लेफ्ट से राइट में जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम अपने आप तो लेफ्ट से राइट नहीं जा सकता है. कुछ चाहिए हमको जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को फोर्स करे कि हाँ तुम इस डायरेक्शन में जाओ. तो ये कौन करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल करेगा. हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो है हमारा उसको फोर्स करेगा कि भाई तुम लेफ्ट से राइट में जाओ. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल इलेक्ट्रॉन बीम का हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है वो डिटरमाइन करता है. और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एट द पीक ऑफ राइज, एट द पीक ऑफ राइज मतलब जहां पे इसका मैक्सिमम करंट है ये वाला पीक, द सॉटूथ वेव रिवर्स डायरेक्शन एंड डिक्रीजेज रैपिडली टू इट्स इनिशियल वैल्यू. बेसिकली ट्रेस रिट्रेस में हम लोगों को ये देखना है कि मान लो कि ये हमारा है, ट्रेस रिट्रेस में क्या होता है, हमारे पास ये टीवी है, ठीक है, और ये मान लो हम लोग सिग्नल टाइम के साथ है, ये एम्पलीट्यूड है. तो स्कैनिंग में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले स्कैन करेगा, ये ट्रेस करेगा, ठीक है. तो करंट क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट में ऐसे गया, ये लेफ्ट पोर्शन है ये राइट पोर्शन है. इसको देखो कि मैपिंग कैसे कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, ये जो ये पॉइंट है ये वाला दिखा रहा है. ठीक है, जब भी जो हमारा स्कैनिंग बीम है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या हो रहा है, सॉटूथ वेव का करंट जो है वो बढ़ रहा है. तो अगर इस करंट को हम प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं ये लेफ्ट है हमारा, तो लेफ्ट से राइट ये ट्रेसिंग हो रहा है, तो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. तो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है मतलब ये वाला पॉइंट, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे जब राइट मोस्ट कॉर्नर पे आ जाएगा वो रास्टर के राइट मोस्ट कॉर्नर पे आने के बाद क्या होगा, बीम को वापस जाना है, तो ये क्या होगा, बीम वापस जाएगा. वापस गया मतलब कि ये इधर से लौटा यहाँ, फिर क्या होगा, इसको वापस से ट्रेस करना है, तो ये वापस से अब लेफ्ट टू राइट जाएगा और राइट कॉर्नर पे पहुंचते के साथ ये वापस से रीट्रेस करेगा. तो ये जो सेकेंड वाला लाइन है ये क्या होगा, फिर से ये ट्रेस करेगा और ये ट्रेस करने के बाद राइट मोस्ट कॉर्नर पे ये पहुंच गया है तो अब ये रीट्रेस करेगा. ठीक है, तो ये जो रेड वाला लाइन है वो है रीट्रेस के लिए और ये जो ब्लू लाइन है वो है ट्रेस के लिए. अब तुम देख रहे हो कि ट्रेस ऐसे जा रहा है लेकिन रीट्रेस तुरंत एकदम वर्टिकल ऐसे आ रहा है. ठीक है, क्यों, ये ट्रेस है ये रीट्रेस है, ऐसा क्यों? रीट्रेस में हम लोग कोई भी स्कैनिंग नहीं करते हैं. ठीक है, स्कैनिंग सिर्फ ट्रेसिंग के टाइम में होता है, रीट्रेस में हम लोग सिर्फ वापस आते हैं. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये
मान लो तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, तुम ऐसे टेढ़ा होकर के जाओगे, ठीक है, और बी से ए मान लो जाना है, ये सीधा होकर के आओगे, किसमें टाइम कम लगेगा, किसमें टाइम कम लगेगा बताओ? सीधे वाले कहीं पे भी अगर तुम सीधा जा रहे हो तो टाइम कम लगेगा, और वही अगर तुम टेढ़ा जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा ये जो ट्रेसिंग टाइम है, जब इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेस करता है तो ज्यादा टाइम लेता है, और रिट्रेस करने में कम टाइम लेता है। जब तुम पेज पढ़ते हो, जब लाइन पढ़ रहे हो, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन वापस से सेकंड लाइन में आने में टाइम नहीं लगता ना, तुरंत बस राइट से लेफ्ट हो जाते हो। तो स्कैनिंग में भी हमको क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट से राइट सारे पिक्चर एलिमेंट को पढ़ते हुए आए, लेकिन जब यहाँ पे पिक्चर एलिमेंट जब पूरा राइट मोस्ट कॉर्नर पे आ गया, पिक्चर एलिमेंट खत्म हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या होना चाहिए, जल्दी से इस साइड आ जाना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट लाइन का स्कैनिंग कर पाए, ठीक है। तो ये जो रिट्रेस टाइम है इसको बहुत कम होना चाहिए। अगर रिट्रेस टाइम ज्यादा ले लेगा तो क्या होगा, रिट्रेस टाइम ज्यादा लेने से हमारा क्या होगा, 625 लाइंस हमको स्कैन करना है। अगर हम रिट्रेस टाइम भी ज्यादा ले लेंगे तो मेरा एक फ्रेम स्कैन करने में जो टाइम लगेगा वो बढ़ जाएगा, तो फिर टाइम बढ़ जाएगा तब क्या होगा, क्या हम 25 फ्रेम्स पर सेकंड भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि स्कैनिंग हो, जो ट्रेस हो वो तो अगर जल्दी करेंगे तो सारे चीज को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर तुम देखोगे कोई लाइन तुम हड़बड़ी में पढ़ते हो बुक या कॉपी में तो वो गलत हो जाता है, वो सारा सही इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हो। इसीलिए ट्रेस जो है वो आराम से होता है ज्यादा ट्रेसिंग टाइम के साथ, लेकिन रीट्रेस वापस से लौटना वो जल्दी होता है। इसीलिए क्या है कि हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर रिट्रेस वापस आ जाता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अभी इसमें जी मैम टाइम हो गया ना आज का,